वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 39 यानी कि 39 जो आपको 3 अक्टूबर को मिलेगी यानी कि सैटरडे को मिलेगी। इसके अंदर बेटा आज भी हम करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में या जिनको आप बोलते हो मॉडल्स उनके बारे में। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न अबाउट द मॉडल्स इन द प्रीवियस वर्कशीट्स। पिछली वर्कशीट्स में हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा है। इन दिस वर्कशीट वी विल रिवाइज ऑल दैट वी हैव लर्न अबाउट मॉडल्स। तो इस वर्कशीट में हम जो है वो रिवाइज करने वाले हैं कि हमने पिछली वर्कशीट्स के अंदर कितना कुछ मॉडल्स के बारे में जो है वो डिस्कस किया। ठीक है, फर्स्ट हमें टास्क दिया बेटा, ऑब्जर्व दिस पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। देखा, वट मैसेज डू दे कन्वे राइट यूजिंग मॉडल्स। आपको बताना है कि ये किस मैसेज को कन्वे करते हैं। ये कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स है बेटा, ये किस मैसेज को कन्वे करते हैं और उसको मॉडल्स की सहायता से लिखना है। ठीक है, पहला है पी लिखा हुआ और उसके ऊपर क्रॉस लगाया होता है, तो ये होता है बेटा नो पार्किंग एरिया पे लगा होता है, जहां पे आप अपना जो व्हीकल है उसको पार्क नहीं कर सकते। ठीक है, यू मस्ट नॉट यू पार्क योर व्हीकल हेयर। तो आप इसका सेंटेंस लिख सकते हो, यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल हेयर। ठीक है, ओके उसके बाद में है दो बच्चे चलते हुए जा रहे हैं। आपको दिख रहा है ये जो है ये साइंस स्कूल या जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके बाहर लगाया जाता है कि आगे जो है वो स्कूल है, स्कूल अहेड लिखा होता है। तो वो ड्राइवर्स को बोला जाता है कि आप ध्यान से धीरे धीरे गाड़ी चलाएं, क्योंकि हो सकता है बच्चे एकदम से बाहर निकल रहे हो तो तेज रफ्तार की गाड़ी उनको हार्म कर सकती है। तो इसका मतलब होता है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यू शुड ड्राइव स्लोली या नियर स्कूल। ठीक है, यू शुड ड्राइव स्लोली नियर स्कूल। ओके, उसके बाद में आपको ऐसे क्रॉस का निशान दिया हुआ है राइट साइड के ऊपर। ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, तो इधर राइट की तरफ मोड़ के एक निशान दिया और उसके ऊपर क्रॉस किया हुआ है। इसका मतलब होता है बेटा कि आप यहां से राइट टर्न नहीं ले सकते। ठीक है, ये सिग्नल वहां पर लगाया जाता है जहां से आप राइट टर्न नहीं ले सकते। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हो यू कैन नॉट टेक राइट टर्न हेयर या यू शुड नॉट टेक या यू वुड नॉट टेक। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने एग्जैक्टली क्या लिखना है। उसके बाद में सेकेंड टास्क जो हमें दिया हुआ है उसमें हमने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ ब्लैंक्सेस दिए हुए हैं, कुछ जो जो सेंटेंसेज है वो दिए हुए हैं। इसमें हमें एक दिया हुआ है बेटा सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब जो पक्का ही होगा, सर्टेन है। पॉसिबिलिटी का मतलब 50-50 चांसेस है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। इम्पॉसिबिलिटी मतलब बिल्कुल नहीं होगा। तो सर्टेनिटी को आप बोल सकते हो कि 100% होगा, यहाँ पे आपके चांसेस 50-50 होते हैं और यहाँ पे आपके चांसेस 0% होते हैं कि बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है इसमें आई विल स्टडी टूडे, मैं आज पढ़ूंगा। ठीक है, आई मे स्टडी टूडे। अब मैंने एक तो बोला कि मैं जरूर आज पढ़ूंगी ही। ठीक है, आई विल स्टडी टूडे, मैं पढ़ने वाली हूँ आज। ठीक है, ये हो गया कि पक्का मैं पढ़ूंगी। अब मैं बोल दूं कि आई मे स्टडी टूडे, मैं बोल दूं यार मैं शायद आज पढ़ूंगी। शायद का मतलब पढ़ भी सकती हूँ नहीं भी पढ़ सकती। आई कैन नॉट स्टडी टूडे, अब इसने सीधा ही बोल दिया कि मैं नहीं पढ़ने वाली या मैं नहीं पढ़ने वाला, तो खत्म है बात। ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी आपकी। तो वैसे ही आपने बाकी सेंटेंसेस को लिखना है। तो ये हमें जो टास्क दिए हुए हैं इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं, इनके सॉल्यूशंस पे एक नज़र डाल लेते हैं और आप इनको साथ साथ अपनी वर्कशीट्स के ऊपर कंप्लीट कर लेना। देखिए कि हमने जो पिक्चर्स देखी थी पीछे वर्कशीट में उसके सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिख दिए। मैं आपको बता देती हूँ, अपना क्वेश्चन था ऑब्जर्व दीज पिक्चर्स व्हाट मैसेज डू दे कन्वे। हमने राइट करना था मॉडल्स की फॉर्म के अंदर। तो पहली पिक्चर थी जिसके ऊपर पी लिखा हुआ था और ऐसे करके क्रॉस लगाया हुआ था, यानी कि उसका मतलब होता है नो पार्किंग, जैसे मैंने आपको बताया। तो यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल हेयर, आप अपना व्हीकल यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते। ठीक है, यू उसके बाद में था बच्चे जा रहे थे तो इसका मतलब था कि आगे स्कूल है, तो यू शुड ड्राइव स्लोली नियर द स्कूल, तो स्कूल के पास धीरे धीरे से आपको चलाना चाहिए गाड़ी जो है वो, धीरे धीरे चलानी चाहिए। ठीक है, थर्ड इज हमें दिया हुआ था ऐसे एक साइन लगाया हुआ था और उसके ऊपर क्रॉस किया हुआ था, यानी कि आप राइट टर्न नहीं ले सकते यहाँ से। यू कैन नॉट टेक राइट टर्न हेयर, आप यहाँ से राइट टर्न नहीं ले सकते। तो हमने कौन सा मॉडल यूज़ किया, कैन नॉट, यहाँ पे शुड और यहाँ पे मस्ट। ओके, ये आपने लिखना है। तो दूसरा देखो, रीड द सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल बिलो, चेंज देम एज गिवन इन द एग्जाम्पल। ओके, सो पहला था बेटा सर्टेनिटी का मतलब होना ही होना है। सो इसने बोला आई विल स्टडी टूडे, मैं आज पढ़ूंगा, मतलब होगा ये चीज। ठीक है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी होती है आई मे स्टडी टूडे, मैं शायद आज पढ़ूंगा। ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी आई कैन नॉट स्टडी टूडे, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, सो उसके बाद में सर्टेनिटी दी हुई आपको, मतलब जो चीज होने वाली है वो आपको दी है। तो देखो शी विल बी देयर हेयर, मतलब वो यहाँ पे होगी। अब पॉसिबिलिटी क्या है, शी माइट बी हेयर, वो शायद यहाँ होगी। इम्पॉसिबिलिटी शी कैन नॉट बी हेयर। ओके,
नेक्स्ट थर्ड नंबर है, सर्टेनिटी में हमें दिया हुआ है राजीव शुड वुड हैव मेट एनीवन, राजीव जो है वो किसी से मिला, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हम बोल सकते हैं कि राजीव माइट हैव मेट एनीवन, कि शायद राजीव किसी से मिला। इम्पॉसिबिलिटी है कि राजीव वुड नॉट हैव मेट एनीवन, कि राजीव किसी से भी नहीं मिला, इम्पॉसिबिलिटी जो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ है बेटा, सर्टेनिटी के अंदर वी मस्ट रीड एवरी डे, हम रोज पढ़ेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या है, वी मे रीड एवरी डे, कि हम शायद रोज पढ़ेंगे। इम्पॉसिबिलिटी क्या है, वी कैन नॉट रीड एवरी डे, हम रोज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कभी कभी पढ़ेंगे। उसके बाद में फिफ्थ है, सर्टेनिटी में मोनिका विल गो टू स्कूल, अब जो वो स्कूल जाएगी, पक्का जाएगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी में मोनिका मे गो टू स्कूल, शायद मोनिका स्कूल जाएगी। मोनिका विल नॉट गो टू स्कूल, इम्पॉसिबिलिटी की मोनिका स्कूल नहीं जाएगी, ठीक है। सिक्स्थ वन इज सर्टेनिटी दी है बेटा, गौरी विल मेक अ कैरियर इन आर्ट, गौरी जो है वो आर्ट सब्जेक्ट के अंदर अपना कैरियर बनाएगी। पॉसिबिलिटी क्या होगी, गौरी माइट मेक अ कैरियर इन आर्ट्स, शायद गौरी जो है वो अपना जो कैरियर है वो आर्ट सब्जेक्ट में बनाना चाहती है। इम्पॉसिबिलिटी क्या है, गौरी विल नॉट मेक अ कैरियर इन आर्ट्स, तो गौरी अपना कैरियर जो है वो आर्ट्स में नहीं बनाएगी, ठीक है। आपने ये इनको लिखना है, ओके। मैं आपको एक बार वन बाय वन दोबारा दिखा देती हूँ। ये था हमारे पास फर्स्ट वाला, ओके। फर्स्ट और सेकेंड आपको दिख रहे हैं, नेक्स्ट मैं आपको थर्ड और फोर्थ दिखा देती हूँ, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ भी दिख रहे हैं, एंड नेक्स्ट इज फिफ्थ और सिक्स्थ, ओके बेटा। उसके बाद देखिए बेटा तीसरा क्वेश्चन, इमेजिन यू आर ए पेरेंट, आप एक पेरेंट्स हो, मतलब माता पिता हो किसी बच्चों के, ठीक है। व्हाट रूल्स वुड यू लाइक टू मेक फॉर द चिल्ड्रन ऑफ योर हाउस, आप अपने घर के बच्चों के लिए क्या रूल्स जो है वो बनाना चाहोगे। तो नीचे आपको जो ब्लैंक्स दिए हुए थे उनमें हमने मोडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन और परमिशन जो है वो फिल आउट करने थे, ठीक है। चिल्ड्रन मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर, बच्चों को, आपके घर के जो बच्चे हैं उनको बड़ों का सत्कार करना होगा। Children must get up early in the morning at 5:30 AM, बच्चों को जल्दी उठना होगा अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 AM के ऊपर। Children may watch TV for 1 hour after finishing their study, और बच्चे एक घंटा ही टीवी देखें अपना काम, अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद में, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ है बेटा, इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ COVID-19, जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है जिसको COVID-19 बोला जाता है स्प्रेड, ठीक है। What would you like to tell your younger sibling, younger कौन होते हैं, आपसे छोटे, ठीक है, यंगर सिबलिंग्स आपके से छोटे। राइट डाउन इन द स्पेस बिलो मोडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन एडवाइस और सजेशन, आप उनके ऊपर क्या तो बदलना चाहते हो कि ये तेरे को करना ही पड़ेगा, क्या आप उनको एडवाइस देना चाहते हो, यानी कि सजेशन या अपनी राय देना चाहते हो। तो एक चीज़ तो है कि वी मस्ट वियर अ मास्क वाइल गोइंग आउटसाइड, कि हम जब भी बाहर जाएंगे हमें मास्क पहनना ही है, दैट इज एन ऑब्लिगेशन, ओके, ड्यूटी है। उसके बाद में यू शुड वॉश यूर हैंड्स मैनी टाइम्स इन अ डे, आपको अपने हाथ दिन में कई बार जो है वो धोने हैं। थर्ड है यू शुड कीप 6 feet डिस्टेंस फ्रॉम द पीपल, और आपको 6 feet की दूरी जो है वो बना के रखनी है लोगों से। तो ये तीन चीज़ें होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इमेजिनिंग ऑफ ए फैमिली इन योर नेबरहुड, आपके नेबरहुड में एक फैमिली है, इफ़ यू वॉन्ट टाइम एट होम ड्यू टू कोविड के कारण, मान लो अगर वो गरीब हैं आपके पास टाइम है तो आप उनकी हेल्प कैसे करोगे, क्या उनसे कहोगे आप। सो आपने मोडल्स ऑफ ऑफर, रिक्वेस्ट और इनविटेशन यूज़ करने हैं। सो फर्स्ट है कैन आई हेल्प यू, कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। सेकंड, वुड यू लाइक सम हेल्प, कि क्या आप कुछ सहायता चाहते हो। थर्ड वन इज कुड वी गेट यू समथिंग टू ईट एंड वेयर, कि क्या हम आपको खाने और पहनने के लिए कुछ ला दें, ठीक है। तो वो जो गरीब है उसकी हेल्प करनी है। तो ये हो गया बेटा हमारे, आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद मैं सेकंड आपको दिखा चुकी हूँ, पर ये सेकंड का थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट है। उसके बाद में मैं आपको थर्ड फर्स्ट और थर्ड पार्ट, ये रहा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। और उसके बाद में ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो इसी के साथ हमारी इस वीक के आपकी क्लास की वर्कशीट्स यहाँ पे फिनिश होती हैं।